हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप सब आप ठीक होंगे। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल अदितीश किचन में। आज हम लेके आए हैं आप सबके लिए ढाबा स्टाइल बैंगन भरता की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी से बन जाती है। तो चलिए इस रेसिपी को आपके साथ हम शेयर करते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के बैंगन लिया हुआ और 4 यहाँ पे मैंने टमाटर लिया हुआ। बैंगन को हम चाकू से ऐसे इसमें कट लगाएंगे। कट लगाने से एक तो इसमें पता चल जाता है कि कोई कीड़ा तो नहीं है, बैंगन साफ है। और जब इसको हम भूनेंगे तो ये बहुत अच्छा सा भुन जाएगा अंदर, मतलब अंदर साइड पे भी बहुत अच्छे से भुनता है। इसलिए हम बैंगन में चारों तरफ ऐसे कट लगा लेंगे। ऐसे सारे बैंगन में हम कट लगा लेंगे और चेक कर लेंगे कि बैंगन साफ है। अगर बैंगन में कोई कीड़ा होगा तो ऐसे दिख जाएगा और हमें आसानी भी रहेगी भूनने में। तो चलिए हम बैंगन को भून लेते हैं। एक एक करके बैंगन को गैस पे ऐसे रख देंगे और हाई फ्लेम पे ही बैंगन को भुनने देंगे। इधर हमने रख दिया है जाली पे सारे टमाटर। टमाटर को भी हाई फ्लेम पे ही रखेंगे क्योंकि ये जल्दी से रोस्ट हो जाएंगे। और इन्हें हम थोड़ी थोड़ी देर पे पलटते रहेंगे, मतलब इधर तो थोड़ा कर देंगे, इसको भी कर देंगे, सारे बैंगन को ऐसे ही हम पलट देंगे और टमाटर को पलट देंगे कि चारों तरफ अच्छे से ये भुन जाए। और बैंगन को हम पलट देंगे और उल्टी साइड भी अच्छे से हम भून लेंगे। देखिए बैंगन अच्छे से भुन गए हैं। अब गैस फ्लेम बंद कर देंगे और बैंगन को थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे क्योंकि ये बहुत गर्म है। गर्म इसका छिलका नहीं निकालेंगे, ये ठंडा हो जाएगा तो छिलका बहुत अच्छे से निकल आएगा। और ये टमाटर भी हमारे भुन गए हैं अच्छे से, इनको भी निकाल लेंगे। मैंने यहाँ पे टमाटर और बैंगन को निकाल लिया है, इनको ठंडा करके हम इनका छिलका निकाल लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे टमाटर और बैंगन का छिलका निकाल लिया और उनको अच्छे से मैंने पानी से वॉश कर लिया है। बैंगन को अंदर से अच्छे से चेक कर लेंगे एक बार फिर से। बैंगन मैंने यहाँ पे सारा अच्छे से देख लिया है और इसको इतना भरते टाइप से इस तरीके से मैंने कर लिया है बैंगन और टमाटर को। और मैंने यहाँ पे लिया है 4 प्याज बारीक कटा हुआ, 10 से 12 लहसुन की कलियाँ, इसको क्रश कर लिया है मैंने। और यहाँ पे जिंजर लिया है, जिंजर को मैंने इस तरीके से काटा है। और 4 हरी मिर्च ली है जिसके मैंने 2 पार्ट किए हुए हैं। और ये लिया मैंने यहाँ पे हरी धनिया। तो चलिए अब लेते हैं एक फ्राई पैन। फ्राई पैन को अच्छे से गरम करेंगे और अब डालेंगे इसमें कुकिंग ऑयल। 1 टेबल स्पून डालेंगे कुकिंग ऑयल और इसका हम लगाएंगे मेथी से तड़का। यहाँ जिसके लिए मैंने यहाँ पे मेथी ली है 1 टीस्पून। बैंगन के भरते में मेथी का तड़का बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। अब डाल देंगे इसमें लहसुन और साथ में ही डाल देंगे अदरक। इन दोनों को थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे। और अब डाल देंगे इसमें प्याज। प्याज को मिक्स कर लेंगे और इसको तब तक हम भूनेंगे जब तक ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तब तक हम इसको इसी तरीके से चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। कम से कम 1 से 2 मिनट तक इसे ऐसे ही चलाते हुए फ्राई करेंगे। देखिए प्याज का कलर बदल रहा है, हल्का सा ब्राउन हो रहा है। अब इसमें डाल देंगे हम भुना हुआ टमाटर। टमाटर को प्याज में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको थोड़ा सा हम कम से कम 1 मिनट तक ले ऐसे चला के इसे प्याज में अच्छे से मिक्स होने देंगे।
और अब इसमें डाल देंगे हम नमक। नमक अपने टेस्ट के अनुसार डालें, जितना आप खाते हो। और इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और अब डाल देंगे इसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून डालेंगे धनिया पाउडर इसमें। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों को, प्याज और टमाटर में मसाला मिक्स हो गया है। अब डाल देंगे इसमें हम भुना हुआ बैंगन, बैंगन ये सारा डाल देंगे इसमें। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऐसे मिक्स करेंगे कि मसालों में अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए ये मिक्स हो गया अच्छे से। अब डाल देंगे इसमें हम जो कटी हुई हरी मिर्च, जो जिसके मैंने 2 पार्ट किए थे, और साथ में डाल देंगे लाल मिर्च। अगर आप लाल मिर्च यूज करते हो तभी डालें। मैं यहाँ थोड़ा बैंगन भरते को चटपटा बना रही हूँ, इसलिए लाल मिर्च का यूज़ किया है। और इसे हम चलाएंगे और 2 से 3 मिनट तक हम इसे मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। ये अच्छे से भुन जाए तब बहुत ही टेस्टी लगता है बैंगन का भरता। देखिए लगभग ये भुन गया है, बैंगन का भरता लगभग रेडी है। इसे थोड़ा सा और चला देंगे। और अब इसमें डालेंगे हम लास्ट में 1 टीस्पून गरम मसाला। गरम मसाला लास्ट में डालने से इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है, खासकर बैंगन के भरते में। और इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। और अब इसमें डाल देंगे हम हरा धनिया कटा हुआ और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। बैंगन का भरता पूरी तरीके से बनकर रेडी है। देखिए कितना टेस्टी लग रहा है। अब गैस फ्लेम बंद कर देंगे और इसे हम एक बाउल में सर्व कर लेते हैं। तो चलिए इसे सर्व करते हैं और इसे आप इंजॉय करिए। मक्के दी रोटी, पराठा, प्लेन रोटी, सब्जी और दाल का कॉम्बो बना के आप खाएं और अपने दोस्तों को खिलाएं। और इस तरीके से आप भी ज़रूर बनाइए मेरे तरीके से। बहुत ही टेस्टी बनता है बैंगन का भरता। अगर आप रोज़ रोज़ की सब्जियों से बोर हो गए हों तो बैंगन का भरता इस तरीके से ज़रूर बनाएं। अगर मेरी वीडियो आप सबको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू।